अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस होंगी, हम उसको रिड्यूस करेंगे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास 4-5 मेथड होंगे 4.2 एक्सरसाइज में इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने में। तो ये बेटा आपने 10th क्लास में 1.3 एक्सरसाइज की थी फर्स्ट चैप्टर की, तो बिल्कुल हमारे पास वैसे ही क्वेश्चन है आज 4.2 एक्सरसाइज में। तो हम पहला मेथड करते हैं, 4.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व करना है x की पावर 4 माइनस 6x² प्लस 8 इक्वल टू 0। हमने इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आपको पता है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए एक्स स्क्वायर को लेट कर लें वाई के इक्वल, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। एक्स की पावर 4 बनानी है तो पावर 4 बनाने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का होल स्क्वायर। सो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसको पुट करें इस इक्वेशन में। नाउ एक्स की पावर 4 किसके इक्वल है बेटा, वाई स्क्वायर के। तो इसकी जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6, एक्स स्क्वायर को हमने लेट किया है वाई, तो माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है इन y फॉर्म में। हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं इसके ऊपर, कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेटा दो मेथड ईजी हैं, फैक्टराइज करना और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को फैक्टराइज करूँगा। आपको मेथड बताया था कि जो y का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म 8, इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 8। 8 के दो ऐसे पेयर निकालने हैं जिनको प्लस करने से, जमा करने से 6 बनता हो। तो 4 और 2 जो है वो 8 होता है, मल्टीप्लाई करें और 4 और 2 ऐड करें तो 6 बनता है। हमें माइनस के 6 चाहिए, इसलिए मैंने माइनस का 4 और माइनस 2y लिया। सो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बेटा पहली दो वैल्यू में से y कॉमन आ रहा है, y माइनस, यहाँ से 4y में से कॉमन लिया 4, आगे वाली वैल्यू में देखें माइनस 2 कॉमन लेंगे तो प्लस y, प्लस में से कॉमन लिया माइनस, 8 में से 2, 4 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में देखें सेम वैल्यू आ गई हैं, y माइनस 4 कॉमन लेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर को अलग-अलग 0 के इक्वल पुट करें, y माइनस 4 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। तो ये आपका जो रिजल्ट आया है ये y की फॉर्म में है, हमारा जो क्वेश्चन है वो x वेरिएबल में है। तो बेटा आपने लेट किया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ y की वैल्यू पुट करें, रिप्लेस करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इस वाली साइड पे भी पुट करें y की जगह पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हमने x का आंसर निकालना है, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लें। सो x स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 2। इस वाली साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्केयर रूट स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्केयर रूट एज इट इज़ प्लस माइनस 2 का स्केयर रूट। सो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2 का स्केयर रूट। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 3x की पावर माइनस 1। सबसे पहले तमाम वैल्यूज को एक तरफ लेकर आए, 3x की पावर माइनस 1 को इधर लेकर आएंगे माइनस हो जाएगा, x की पावर माइनस 2 माइनस 3x की पावर माइनस 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो लेट करेंगे बेटा x की पावर माइनस 1 को y के इक्वल, बोथ साइड पे स्क्वायर लें। सो पावर मल्टीप्लाई होके x की पावर माइनस 2 और y का स्क्वायर। इक्वेशन में पुट करें वैल्यू, x की पावर माइनस 2 किसके इक्वल है, y स्क्वायर के, माइनस 3x की पावर माइनस 1 y के इक्वल ऐड किया था और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बेटा ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी और या फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं इसकी। तो देखें हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा। टेन है हमारे पास, टेन के पेयर बनाने हैं कि जिनको हम माइनस करने से माइनस का थ्री आए, तो फाइव और टू हमारे पास पेयर बनते हैं, फाइव टू था टेन, माइनस का फाइव लेंगे प्लस का टू लेंगे ताकि माइनस के थ्री आ जाएं। वाई स्केयर माइनस फाइव वाई प्लस टू वाई माइनस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पहली दो वैल्यू में देखें बेटा कॉमन आ रहा है वाई, यहाँ से वाई माइनस फाइव रह जाएगा। आगे वाली वैल्यू में देखें प्लस टू कॉमन आ रहा है तो वाई माइनस फाइव रह जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों ब्रैकेट में वाई माइनस फाइव आ रहा है कॉमन और वाई प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। एक दफ़ा y माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी फाइव और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है इन फॉर्म ऑफ y। हमारा क्वेश्चन है बेटा x की फॉर्म में, हमें x का रिज़ल्ट निकालना है। तो हमने लेट किया था y को x की पार माइनस वन के इक्वल, तो लिहाजा इस y की जगह पे x की पार माइनस वन पुट करें इज इक्वल टू फाइव। इधर भी y की जगह पे x की पार माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू। तो पावर माइनस हो तो उसको नीचे लेकर आएँ तो प्लस हो जाती है, वन ओवर x इज इक्वल टू फाइव। क्रॉस मल्टीप्लाई करें यानी x इधर आके फाइव से मल्टीप्लाई होगा 5x। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो फाइव इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वन ओवर फाइव इज इक्वल टू x। यानी हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वन ओवर फाइव। इसी तरह x की पावर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू है बेटे, तो पावर माइनस वन नीचे लेकर आए, वन ओवर x इज इक्वल टू टू। एक्स इधर टू से मल्टीप्लाई होगा 2x, वन इज इक्वल टू टू एक्स, टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वन बाई टू इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू वन ओवर टू। तो आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा वन ओवर फाइव व वन ओवर टू। आई होप कि बेटा आप लोगों को ये मेथड समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।